बड़ा भी होगा, जी ऐसे कही लो। ऐसे रहेगा। ओके ठीक है। हम लाइव आ चुके हैं। नमस्कार साथियों, रचयिता के फेसबुक पेज पर आज हम एक नई पुस्तक को लेकर के उनके लेखक के साथ पुस्तक पर चर्चा में हाजिर हुए हैं। आज राजपाल एंड संस के हाल ही में प्रकाशित गुगली पुस्तक पर बातचीत करने के लिए श्रीमंत ज्ञानेंद्र जी और लेखक ज्ञानेश साहू जी उपस्थित हुए हैं। तो मैं एक छोटा सा परिचय पहले दे दूं श्रीमंत ज्ञानेंद्र जी के बारे में, जो आज के संचालन करेंगे इस कार्यक्रम में, जो लेखक से बातचीत करेंगे। तो ज्ञानेंद्र जी, आपने JNU से PhD किया है और खुद क्रिकेटर भी रहे हैं। तो खुद क्रिकेटर रहने पर एक अच्छी बात यह हो जाती है कि पुस्तक भी वो उसी को केंद्र में रख करके लिखी गई है, उसी के आसपास होकर के, तो बातचीत करने में एक सुविधा हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि पटना यूनिवर्सिटी और JNU में खुद क्रिकेट टीम के सदस्य थे और बिहार क्रिकेट टीम में भी आपने प्रतिनिधित्व किया है। और आपका जो MPhil है वो खेल समाज और हिंदी कथा साहित्य को एक साथ रख करके किया गया है। यह एक बेहतरीन बात यह है कि हिंदी कथा साहित्य में भी खेल को और समाज को देखते हुए कोई MPhil या PhD किया गया हो, तो यह अपने आप में एक बड़ा शोध होगा। और खेल साहित्य में रुचि है और अभी वर्तमान में DU में पढ़ा रहे हैं। दूसरी जो हमारे आज के लेखक हैं उनके बारे में हम बातचीत करें, तो जो ज्ञानेश साहू जी हैं भिलाई से हैं, और आप जानते हैं कि भिलाई जो है और जो भोपाल का एरिया है वो आजकल साहित्य का गढ़ बन गया है एक तरह से। जो पहले हम मानते थे कि दिल्ली जो है साहित्य का गढ़ है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि भोपाल का एरिया जो है, मध्य प्रदेश का एरिया जो है, वह भी साहित्य का गढ़ होते जा रहा है। तो ज्ञानेश साहू जी को बचपन से ही यात्रा डायरी लिखने का बहुत ही शौक रहा है, और यह जो उनकी पुस्तक है गुगली, या उनका पहला उपन्यास है। पुस्तक पर अगर हम कुछ बात रखें तो उसमें हम देखते हैं कि स्कूल के आखिरी और कॉलेज के शुरुआत वर्ष जो होते हैं उसमें यादगार और अलमस्त समय जो होता है विद्यार्थियों के लिए, और खासकर जब विद्यार्थी जब अपने स्कूल से निकल करके अनुशासन से छूट जाता है, क्योंकि स्कूल में जब रहता है तो विद्यार्थी अनुशासित रहता है, अनुशासन में रहता है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज में आकर वो अनुशासन छोड़ देता है, लेकिन जो एक अनुशासन से जो आप छूट करके और जवानी की दहलीज पर खड़े हो जाते हैं, तो उस जीवन में तमाम महत्वाकांक्षाएं जो है आपकी उड़ान लेने लगती है और उसी उड़ान को परखते हैं। तो जीवन के कठोर यथार्थ से बेपरवाह जो समय होता है वह होता है जो हम नए नए दोस्तों से मिलते हैं और दोस्त बनाते हैं। तो दोस्ती और क्रिकेट के बीच पहला पहला प्यार भी अंकुरित होता है, और उसी दोस्ती की जो प्रगाढ़ता होती है और जो प्यार का एक ट्रायंगल बनता है, उस ट्रायंगल को लेकर के यह एक रोचक उपन्यास लिखा गया है। पाठकों के द्वारा काफी अच्छा रिस्पॉन्स है अभी कि यह एक बेहतरीन उपन्यास है। हम खास करके एक जो युवा वर्ग होता है उस युवा वर्ग के ही की कहानी है, जिसे हम पढ़ते हुए अपने आप को भी उसके केंद्र में महसूस कर सकते हैं कि यह तो हमारे आसपास की ही कहानी है। तो कुल मिलाकर के इस चीज को पूर्ण रूप से हम लेखक से ही जानेंगे, और आगे की जो पूरी बातचीत होगी वो जैनेन्द्र जी खुद क्रिकेटर रहे हैं और खुद साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, तो उनको यह उपन्यास कैसा लगा और वह इस उपन्यास के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उन्होंने महसूस किया है पढ़ते हुए, वो खुद लेखक से सवाल जवाब करें तो बेहतर रहेगा। तो यह जो मंच जो है आगे मैं जैनेन्द्र जी और ज्ञानेश साहू जी को सौंपता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद पीयूष। रचयिता पेज का बहुत बहुत धन्यवाद। राजपाल एंड संस का बहुत बहुत धन्यवाद।
कि उन्होंने इस पुस्तक पर ये परिचर्चा आयोजित की है। और लेखक ज्ञानेश साहू जी का को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि हिंदी में हिंदी में इस तरह का उपन्यास कम लिखा गया है। खास करके एक तरह का कॉकटेल होता है कि आप क्रिकेट को भी जाने और साहित्य को भी जाने और उस पर एक नॉवेल लिखें। जहाँ तक मुझे याद आता है, गुगली नाम से एक नारायण सिंह ने झारखंड के, तो उन्होंने एक कहानी लिखी थी, लंबी कहानी। इसके अलावा अंग्रेजी में कुछ गुगली पर लिखा गया है, लेकिन हिंदी में कोई उपन्यास पहली बार गुगली नाम से लिखा गया है। हालांकि खेल पर भी उपन्यास बहुत कम है। एक रमेश दवे ने मध्य प्रदेश के, उन्होंने खेल गुरु लिखा था, और भारतीय फुटबॉल टीम की खिलाड़ी रही है सोना चौधरी, अभी दिल्ली पुलिस को ट्रेनिंग देती है, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था पायदान। तो इस तरह के छोटे मोटे प्रयास हुए हैं, तो इसलिए ज्ञानेश साहू जी बधाई के पात्र हैं कि हिंदी में उन्होंने एक उपन्यास लिखा और बहुत डूब कर लिखा है। जब आप किसी चीज में डूब जाते हैं, खुद उस चीज को बहुत गहराई से जानते हैं, तो लिखते हैं तो वो इमोशंस आपका दिखता है उस नॉवल में। तो क्रिकेट को लेके जो आपका इमोशंस है वो इस उपन्यास में दिखता है। तो आपको तो फिर से एक बार बधाई दूंगा, और इस पर परिचर्चा क्या होगी, बस हम आपका अनुभव जानना चाहेंगे कि आपने कैसे इसकी यात्रा की, कैसे आपने उपन्यास लिखा, खेल में आपकी क्या रुचि है, हम तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। लेकिन ज्ञानेश जी, शुरुआत इससे करते हैं जी कि आपने अपने जीवन में तीन बड़े गुनाह किए। आपने इंजीनियरिंग भी कर लिया, आपने नोबेल भी लिख लिया, आपने प्रेम भी अगर कह सकते हैं तो कर लिया जी। तो ये भारत में बहुत बड़े गुनाह माने जाते हैं, बीटेक करना, क्रिकेट खेलना जी, प्रेम करना, नोबेल लिखना। तो एक साथ इतने गुनाह आपने किए हैं जीवन में, तो ये जानबूझकर किए हैं कि सबका शौक है आपको? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, और सबसे अच्छा जो पहले ही सवाल है वो एक गुगली फेंक दी मेरे ऊपर। तो मैं तो यही बोलूंगा कि मैंने शायद जानबूझ के ही ये किया। जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, और क्रिकेट छोड़ने की कहानी भी मेरी दिलचस्प है। जैसे मैं क्रिकेटर बनना चाहता था बचपन में, फिर ऐसा होता था कि मैं भिलाई में, भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा समर कैंप लगाया जाता है, तो दो महीने पे आप बास्केटबॉल खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, हॉकी खेल सकते हैं, और वहाँ पे जो प्रोफेशनल कोच है वो आपको दो महीने ट्रेन करेंगे, और अगर उनको लगेगा कि आपके अंदर पोटेंशियल है तो फिर आपको वो परमानेंट ट्रेनिंग के लिए बोलेंगे आगे, जो समर वेकेशन के बाद। तो सुबह मैं बास्केटबॉल खेलने जाता था, और शाम के टाइम पे क्रिकेट की कोचिंग लेने जाता था। तो क्या हुआ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था, तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं, बास्केटबॉल के लिए मुझे बोला गया कि आपको एक यूनिफॉर्म सिलवाना है जिसपे हाफ पैंट होगा और ऊपर पे टी शर्ट होगा, व्हाइट व्हाइट कलर का। तो मैंने वो सिलवा लिया। अब उसके कुछ दिन बाद क्रिकेट पे मैं खेलने जाता था, तो वहां पे भी मुझे बोला गया कि ये आपका यूनिफॉर्म सही है, लेकिन आपको फुल पैंट खरीदना पड़ेगा। तो फिर क्या उम्र थी आपकी उस वक्त, उम्र किस उम्र की बातचीत आप कर रहे हैं, क्या उम्र है? क्लास 8 में था, तो मान लीजिए 12-13 साल का रहा होगा। उस टाइम पे मुझे लगता था मुझे क्रिकेट ही खेलना है, क्रिकेटर ही बनना है। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि, मैंने घर पे बोला कि मुझे फुल पैंट भी सिलवा के दे दीजिए, तो घर पे बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी तो हाफ पैंट आपको सिला के दिए हैं बास्केटबॉल के लिए, अब क्रिकेट के लिए फुल पैंट कैसे सिलवाएं। तो फिर मैं थोड़ा उदास हो गया। फिर मैंने क्रिकेट जो वहाँ अकेडमी में है उनसे बात किया, सर बोलते ठीक है खेल लो। तो मैं कुछ दिन ऐसे प्रैक्टिस करने लगा। उसके बाद एक जैसे दो कोचिंग सेंटर्स का वो होता है ना, मुकाबला होता है, वैसे मैच आ गया एक बार, 1-1.5 महीने के कोचिंग के बाद। तो उन्होंने बोला कि आप भी क्वालिफाई हुए हो, आप भी जो टॉप 15 है उसमें हमने आपको चूज किया है। तो मैं खुश हो गया बड़ा, कि लगा कि हाँ पहली मंजिल यहाँ पे आ गई। तो फिर उसके बाद बोले कि एक ही थोड़ा सा मसला है, आपको क्रिकेट का किट खरीदना पड़ेगा। और
ड्यूस बॉल से आपको एक बैट खरीदना पड़ेगा, जो फिर आर्म गार्ड्स होते हैं, जितने भी आप जानती होंगे पैड हाँ वगैरह वगैरह सब, तो पूरी किट हाँ पूरी किट खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आप किसी का किट बोरो नहीं कर सकते, यहाँ पे तो आप नहीं कर चला सकते। सकते हो बोरो करके। फिर मुझे तो मसला समझ आ गया, मैंने घर पे जाके बोला, तो घर वाले ऑब्वियसली हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि कहाँ से 5-7 हज़ार लाए, कहाँ से खर्च करे। तो उस दिन के बाद से मैंने प्रोफेशनली तो क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, मतलब उस दिन के बाद से ऐसा लगा कि दिल टूट गया, आगे नहीं खेला जा सकता, तो प्रोफेशनली मैंने बंद कर दिया क्रिकेट खेलना। बट उसके बाद से जैसे आपने पढ़ा होगा गूगली में, वैसे हम क्रिकेट जरूर खेला करते थे, ये भी मैंने 10th 11th तक काफी क्रिकेट खेला है। 20 रुपए का मैच लगा लिए और 20 या 25 रुपए का, जीत गए तो बढ़िया से नाश्ता कर लिए, अदरवाइज हार गए तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस उपन्यास में जो योगेश की कहानी है, योगेश जी नाम का जी कोई पात्र है या ज्ञानेश साहू का ही एक रूप है जिसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई निजी जीवन में, तो उपन्यास में उसको जी आईपीएल तक पहुंचा दिया गया? जी बिल्कुल, आप ऐसा बोल सकते हैं। मतलब दरअसल मेरा एक दोस्त, मेरे दोस्त की का भी नाम योगेश है, लेकिन उस योगेश में कहीं ना कहीं मेरी ही कहानी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक वो किट के लिए जो मेरा एक मलाल था, वो हमेशा ही मुझे लगा कि कुछ ना कुछ कर पाऊं मैं, तो वही, तो इसीलिए वो जो योगेश का किरदार है कहीं ना कहीं मेरा ही वो है। हाँ। अच्छा, जब मैं उपन्यास को पढ़ रहा था तो आपने जी इसका शीर्षक दिया है गुगली, जी तो दर्शकों के लिए मैं बता देता हूं, आपने तो बहुत सोच समझ कर नाम रखा होगा। गुगली जी दरअसल क्रिकेट में एक लेग स्पिनर की गेंद होती है जो परंपरागत लेग स्पिन के उलट, मतलब एक तरह से वो ऑफ स्पिन हो जाती है, जैसे अनिल कुंबले डालते थे भारत की तरफ से, उसी एक्शन में लास्ट टाइम में उंगलियों को मोड़ दिया जाता है कलाइयों के सहारे और गेंद लेग स्पिन ना होकर के ऑफ स्पिन हो जाती है, मतलब बाएं से दाएं जाने के बजाय बाएं से दाएं की तरफ चली जाती है और आदमी बैट्समैन चकमा खा जाता है। और स्पिनर की ये बहुत चमत्कारिक बॉल मानी जाती है, और आपने देखा होगा, बाकी दर्शकों ने भी देखा होगा जो क्रिकेट देखते हैं, कि अनिल कुंबले ने बहुत सारे LBW गुगली मारकर और बोल्ड बैट्समैन को बहुत को आउट किया भारत के लिए। तो इस उपन्यास का जो शीर्षक है गुगली, कि मतलब जो होने वाली चीजें हैं वो अचानक से बदल जाती है, ठीक उसके उलट चीजें होने लगती है, आप अनुमान नहीं लगा सकते क्या होने वाला है, मतलब एक रोमांच बना रहता है, बैट्समैन ये तय नहीं कर सकता है पहले से कि हमें इस बॉल पर ये शॉट खेलना है। तो क्या ज्ञानेश यही कुछ आपके भी दिमाग में रहा था इसका नाम रखने के लिए? जी, मेरे मन में दरअसल दो नाम थे, एक तो बाउंसर था और एक अच्छा। गुगली था। जी, तो फिर मैंने थोड़ा सोचा कि बाउंसर को डक भी किया जा सकता है, और कभी कभी मिस हिट होता है तो भी लोग सिक्स चला जाता है या कुछ हो जाता है, बट कंपेरेटिवली गुगली को देखा जाए तो वो ऑफ स्पिन होता है, तो राइट हैंड बैट्समैन के लिए वो उसको खेलना ही पड़ता है, चाहे वो LPW हो उसके बाद, चाहे वो क्लीन बोल्ड छोड़ हो नहीं जाए, सकते उस मतलब बॉल को। छोड़ नहीं सकते। तो मुझे लगा कि गुगली से सही नाम इसके लिए होगा, क्योंकि बाउंसर को कहीं ना कहीं आप डक कर सकते हैं, और मेरे जो पात्र हैं उनके सामने जो गुगली हुई वो उसे डक नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा कि नहीं, इनके लिए गुगली नाम ही उपयुक्त रहे। ज्ञानेश, आपने जो आपकी किताब की भूमिका है जी उसमें एक जगह आपने लिखा है, वैसे मैं आपसे खुद जो आपकी मनपसंद पंक्तियां होंगी वो मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ उसको पढ़ें, लेकिन मैं एक पढ़कर आपको सुनाता हूं, जिसमें आपने लिखा है कि चाहे उन दोस्तों का मिलना हो या बिछड़ना, मैं पूरी कहानी में बना हुआ हूं, प्राक्कथन में जी आपने लिखा है, जी और आप लोगों की तरह मैं इस कहानी को बैठकर सुनाना चाहता हूं, इसलिए आगे की कहानी सुनाने का जिम्मा मैंने आकाश और उसके दोस्तों को दे दिया। तो जब जी आकाश कहानी सुना रहे हैं और बाकी उसके दोस्त कहानी सुना रहे हैं, तो इसमें ज्ञानेश जी साहब कहाँ है? ये हर एक पात्र में है, क्योंकि आपकी भूमिका इसमें कहाँ है? क्योंकि शुरुआती जो लगभग 100 के करीब पेज है वो कहानी आकाश ने सुनाई है, जी जी फिर 38 पेज के करीब या 40 पेज के करीब कमलेश ने सुनाई है, दस जी पेज करीब मुझे लगता है कि शिल्पा ने शिल्पा को मिला है, और 4-5 पेज आपने मुश्किल से माहिरा को दिए हैं। तो जी ज्ञानेश जी जी साहब कहाँ है जो उन्होंने लिखा है कि मैं भी हूं और बैठकर देख रहा हूं?
जी ये जो आकाश का किरदार है, ये जो आकाश ने जब नरेट किया है तो वो मुझे काफी अनुकूल पड़ा लिखने के लिए। ऐसा लगा जैसे मैं ही लिख रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि जब योगेश बोलता है तो वो हर बात को मैं नहीं बोलता, वो हम लगा के बोलता है, और जब कमलेश बोलता है तो उसके बोलने का थोड़ा तरीका थोड़ा सहमा हुआ सा होता है। तो मैंने काफी जो अपने आप को उपयुक्त पाया आपके जब आपके आपके उपन्यास में जो कमलेश पात्र है ना, ऐसे भी मेरे भी एक दोस्त रहे थे, तो जब मैं उस उपन्यास को पढ़ रहा था तो मुझे अपने कमलेश की याद आ रही थी। हाँ बता रहे थे कि पात्र के बारे तो में, जो आकाश हाँ को। जी, और बाकी जैसे शिल्पा और माहिरा का भी छोटा छोटा एक एक चैप्टर का जो नरेशन है, तो वो तो थोड़ा डिफिकल्ट होता ही है, क्योंकि मैं लड़का हूं, तो एज अ लड़की नरेट करना आपको थोड़ा समझना पड़ता है, थोड़ा और डीपली लिखना पड़ता है। तो सबसे जो बोल सकते हैं सबसे कंफर्टेबल, जब मैं आकाश को नरेट कर रहा था, जब आकाश नरेट नरेट कर रहा था, तो एज अ ज्ञानेश ही मैं नरेट कर रहा कहानी में। अच्छा, नहीं इसमें आपने जी लिखा है कि मैं भी आप लोगों की तरह मैं भी इस कहानी को बैठकर सुनना चाहता हूं, इसलिए आगे की जी कहानी जी सुनाने का जिम्मा मैंने आकाश और उसके दोस्तों को दिया। तो मतलब जी आकाश में आप अपने आप को देख रहे हैं। जी 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 अच्छा, मैं क्रिकेट और आपके साहित्य दोनों पर बीच बीच में दोनों तरह के सवाल मिक्स करके आते रहेंगे। जी जी मैं ये जानना बिल्कुल चाहता हूं कि चूंकि आपने बीटेक किया और जी आपने यंग एज में क्रिकेट खेला, कॉलेज के लाइफ को एंजॉय किया, लेकिन इन सब से जी उलट है एक नॉवेल को लिखना, साहित्य जी की रचना करना। तो ये आपको कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली और कहाँ से ऐसा कब आपको ऐसा लगा कि आपको अपने जीवन की कहानी लिखनी चाहिए? जी पहले तो कुछ मात्रा में तो ये मेरे माता पिता से ही आया है। जैसे हम बचपन में पापा हमें ले जाया करते थे घुमाने फिराने, साल में एक बार, तो वो अपनी एक डायरी मेंटेन करते थे, तो उस पर बहुत ही बारीकी से लिखा करते थे। मुझे याद है हम जैसे यहाँ से अहमदाबाद जाते थे दुर्ग से, तो वो एक एक स्टेशन का नाम लिखा करते थे कि अब हम इस स्टेशन पे आए। हाँ जी, छोटे छोटे स्टेशन का भी नाम लिखा करते थे। वो इंटरनेट का युग नहीं था तो वो जी जी वो लिखते इंटरनेट थे। का, हाँ वो इंटरनेट का अब तो युग ऐप नहीं है था तो का फिर। सब कुछ पता हाँ चल जाता है, वेयर इज माय जी ट्रेन जी वगैरह जी से। जी वो सब भी लिखते थे। और उसके बाद कहाँ पे क्या खाया, कहाँ की जैसे कचौड़िया कहाँ की प्रसिद्ध है, ये सब लिखते थे। तो मैं भी अच्छा ऐसा हुआ कि उसके बाद से एक होता है ना बाल मन की, मुझे भी लिखना है, तो मैंने भी एक डायरी खरीद लिया और मैंने भी लिखे हैं कुछ कुछ ऐसे कहानियां। कुछ कहानियां तो अभी भी ऐसे है जो आधी पड़ी है, जो जैसे 10 दिन का ट्रिप है तो मैंने 5 दिन लिखा, या उसके बाद बाल मन है, मन नहीं किया तो छोड़ दिया वहां पे, तो लेकिन वो अभी भी लिखी पड़ी हुई है, तो वहां से कुछ आ गया। और मेरी जो मम्मी है वो भी ऐसे पोयम्स वगैरह काफी लिखती थी, मतलब उन्होंने भी खुद से काफी पोयम लिखे थे, तो ये तो मेरे अंदर थोड़ा तो इनसे आया। और उसके बाद ये था कि 2014 में मेरा एक स्टार्टअप था, तो मैंने वो चालू किया था, तो वो चलाने के बाद फेल हो गया, ज्यादा दिन चल नहीं पाया, तो मैंने एक अंग्रेजी का उपन्यास जरूर लिखा था जो कि मतलब उससे रिलेटेड। और उसके बाद जब मैंने देखा कि मुझे लिटरेचर में रुचि आने लगी, ऐसा नहीं था कि उसके पहले रुचि नहीं था, लेकिन उसके बाद काफी रुचि आने लगा। फिर मैंने मान के चलिए 50 से 60 जो है हिंदी नॉवेल्स, जो है हिंदी उपन्यास, पहले तो एक अभी जो नई वाली हिंदी है वो पकड़ा, उसके बाद लगा मुझे कि इससे भी कुछ और डीप होता है, तो फिर मैंने धर्मवीर भारती हो गए, अज्ञेय हो गए, अपने मनोहर श्याम जोशी हो गए, उनके उपन्यास उठा उठा के पढ़ना चालू किया। और उसके बाद जो है मुझे लगा कि मैं भी थोड़ा बहुत तो लिख ही सकता हूँ, मैं थोड़ा बहुत ट्राई कर सकता हूँ। तो गूगली की भी कहानी दिलचस्प है, मैं पहले एक छोटी सी एक कहानी बनाना चाहता था, ये गूगली को एक उपन्यास ही अच्छा बनाना चाहता था, लेकिन अच्छा धीरे 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 ये ये कब की एक्सपेंड बात है, होते किस साल की आप गए। बात कर रहे हैं? ये 2019 की बात अच्छा, हाल ही है। हाँ जी, में। हाँ, तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया, और जो चैप्टर्स के भी नाम है जो थोड़े राइम होते हैं, आप देखे होंगे, इंट्रोडक्शन, धुआंधार, तो वो मेरे मन में पहले चैप्टर्स के नाम आते गए कि इसके बाद ये होगा, फिर हम पिकनिक पे जाएंगे, तो वो एक्सपेंड होते होते एक पूरा उपन्यास बन गया। और इस तरीके से ये मैं लिटरेचर वर्ल्ड में आ गया, मुझे लगता है कि हाँ मैं थोड़ा लिख सकता हूँ।
मैं नई वाली हिंदी के बारे में सवाल आपसे अंतिम में करता, लेकिन चूंकि आपने जिक्र कर दिया तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी ये साहित्य में ये मसला बहुत जोर शोरों से उठाया जाता है, और हमने जेएनयू में एक प्रोग्राम किया था तो जो हिंदू युग के संपादक हैं शैलेश भारतवासी, उनको हमने आमंत्रित किया था, शैलेश जी को हमने जेएनयू आमंत्रित किया था, और उन्होंने एक घंटा नई हिंदी का पक्ष लिया और बहुत बहसें हुई वहां पर, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा था लोकप्रिय साहित्य और गंभीर साहित्य को लेकर। तो चूंकि आप खुद मान रहे हैं कि नई हिंदी में आप लिख रहे हैं, अभी निलोत्पल लिख रहे हैं, सत्यव्यास लिख रहे हैं, मैंने पढ़ा इनको, निलोत्पल तो हमारे मित्र भी हैं, सत्यव्यास तो फेसबुक पर फ्रेंड है, और दिव्य प्रकाश दुबे लिख रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग नई हिंदी में लिख रहे हैं। आपने चूंकि जिक्र किया धर्मवीर भारती का और भी लोगों को आपने पढ़ा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको नई हिंदी और जो आप पुरानी हिंदी कह सकते हैं उसमें क्या अंतर आपको लगता है? जी मैं अंतर बताने से पहले ये बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा ये नहीं सोचता कि नई हिंदी खराब है या नई हिंदी अच्छी है। मैं पक्ष लेने के बजाय ये बोलना चाहूंगा कि नई हिंदी में कुछ नयापन है तो कुछ फुहड़ता भी है। जैसे मैंने कुछ किताबें पढ़ी है जहाँ पे अनावश्यक गालियों का ज्यादा ही इस्तेमाल हो गया है, और ये बोल के कि आजकल के जो बच्चे हैं वो इस टाइप की गालियों का यूज ज्यादा करते हैं, इस टाइप की चीजें, या फिर कुछ जो रिपीटेशन है कहानियों का, रिपीटेशन, वही लव स्टोरी जो है वो आ रही है, तो वो चीजें थोड़ा सा मुझे लगता है कि इन चीजों से नई हिंदी में बचा जा सकता है। बाकी जो पुरानी हिंदी है मुझे लगता है कि वो बेंचमार्क थे, बेंचमार्क है और वो हमेशा से ही बेंचमार्क रहेंगे। जैसे हालांकि हो सकता है कि उनकी जो भाषा शैली है या भाषा है वो थोड़ी क्लिष्ट हो, जैसे आप निर्मल वर्मा जी को पढ़ोगे वो उनकी जो कहानियां हैं बहुत ही स्लो होती है, तो आज अगर कोई नया पाठक है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है या जो आज के परिवेश में पला बढ़ा है वो निर्मल वर्मा को उठाएगा तो शायद वो कहानी पूरी ना कर पाए, उसे थोड़ा उबाऊ लगे क्योंकि उनकी कहानी का जो पेस है वो थोड़ा स्लो है। अज्ञेय जी का शेखर एक जीवनी उठा ले वो उनको क्लिष्ट लगे थोड़ा। तो मुझे लगता है कि जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने भी नई वाली हिंदी से ही पढ़ना चालू किया, और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इसके अलावा मुझे कुछ किताबें पढ़ने के बाद लगा कि ये रिपीट हो रही है वही कहानी, हालांकि किताबें अलग अलग थी लेकिन ये कहानियां जो फ्लेवर है वो रिपीट हो रहा है, तब मैं पुरानी हिंदी में गया। तो मेरा तो ये मानना है कि नई हिंदी भी अपनी जगह बहुत सही काम कर रही है, बिकॉज जो नए नए पाठक हैं वो जुड़ रहे हैं। जैसे मैंने एमबीए किया है तो वहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त हैं, अच्छा बीटेक के बाद आपने एमबीए भी किया? जी जी जी, अच्छा ये भी गलती की मैंने वही मैं कह रहा था। तो फिर वहाँ पे तो ऐसे हैं कि सब बड़े बड़े स्कूलों के जैसे डीपीएस हो गए, ऐसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले लोग, लेकिन जैसे मेरी कहानी आई तो मेरा उपन्यास आया अभी गूगली तो वो उन्होंने लेके पढ़ा, मैंने उन्हें बताया कि ये नहीं भाई ये सिंपल हिंदी है, तो कहीं ना कहीं अगर वो 20 या 25 लोगों ने भी लेके पढ़ा जिन्होंने कभी हिंदी को पढ़ा ही नहीं था, तो एक बोल सकते हैं कि वो हिंदी का एक पाठक वर्ग में थोड़ा तो बढ़ोतरी हुआ। तो मेरा मानना है कि नई वाली हिंदी भी पाठकों में बढ़ोतरी कर दी है, लेकिन जो बेंचमार्क वो है वो हमेशा ही जो पुराने जो साहित्य है वही रहेंगे, मनोहर श्याम जोशी जी हो गए या धर्मवीर भारती हो गए ऐसे। मतलब ज्ञानेश साहब ये कहना चाहते हैं कि जो लोग साहित्य में रुचि नहीं रखते या बहुत उनको नहीं है, वो नहीं पढ़ पाते उस तरह की हिंदी जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में या इस तरह के बैकग्राउंड से रहे हैं, तो जो नई वाली हिंदी की सरल सहज भाषा है उससे वो साहित्य की दुनिया से परिचित हो पाते हैं या कनेक्ट हो पाते हैं, और अगर उनको आगे पढ़ना हो तो वो गंभीर साहित्य की तरफ जा सकते हैं जिसको आप बेंच मार्क कह रहे हैं। तो मतलब एक तरह से नए पाठक को लाने का काम साहित्य में नई वाली हिंदी कह रही है, आप ये कहना चाहते हैं? जी 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 जी, ठीक है ठीक है। अच्छा आप वापस आपके गूगली पर आते हैं, गूगली में जो दो चीज महत्वपूर्ण है वो एक तो है कि इसमें क्रिकेट बहुत है और जो लोग इस क्रिकेट से प्यार करते हैं वो इसमें उसको डूब कर पढ़ेंगे, कैसे एक टीम से हारने के बाद पूरी रणनीति बनाई जाती है और फिर कैसे बदला लिया जाता है दूसरी टीम से, और पूरी स्टोरी आपने कैसे स्पिन का कमाल किया जाता है, कैसे उसके बल्लेबाज को आउट किया जाता है सारा आपने बताया, और दूसरा इसमें माहिरा और आकाश का प्यार,
तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके दिमाग में पहले क्रिकेट था, फिर उसमें प्रेम जोड़ा, या पहले प्रेम था उसमें क्रिकेट को फिट किया जब आप नॉवेल को लिख रहे थे? मैंने जैसे बताया पहले, जो जब मैं कहानी बस लिखता था, मतलब ये गोगरी नाम भी मैंने नहीं सोचा था, मैंने सोचा कि 36-7 हज़ार वर्ड की एक छोटी सी कहानी होगी, तो तो वो उस कहानी क्रिकेट की में कहानी थी, आकाश और माहिरा की कहानी थी? पहले नहीं क्या नहीं दिमाग सिर्फ आकाश और शिल्पा की कहानी थी, वो एक दोस्तों की एक छोटी सी, वो दो दोस्त की कहानी जो अपने में? घर की अच्छा छुट्टी कैसे बिताते हैं उस बारे में, मतलब अच्छा जो सेकंड चैप्टर है ना, रिजल्ट का बुखार, वही से मैंने लिखना चालू किया था। ये फर्स्ट चैप्टर मैंने बहुत बाद में जोड़ा है, तो लेकिन जब मैंने कहानी थोड़ी आगे बढ़ी तो फिर मेरे मन में ये डिसाइड हो चुका था कि ये जो कहानी होगी ये क्रिकेट पे ही बेस्ड होगी। तो फिर मैंने टाइम हाँ जी तो फिर मैंने टाइम फ्रेम में डिसाइड कर लिया, जो भारतीय क्रिकेट का स्वर्णिम समय कहा जा सकता है, 2007 से 2011 तक, जिसमें जिसको धोनी ने लीड किया और हम दो वर्ल्ड कप 4 सालों के अंदर जीत गए, तो वो मैंने टाइम फ्रेम सोचा। और माहिरा की एंट्री काफी बाद में हुई, मतलब भले ही इन चैप्टर्स में पहले आ जाती है, लेकिन माहिरा और आकाश के प्रेम कहानी की एंट्री काफी बाद में हुई मेरे दिमाग में। हालांकि चैप्टर्स में तो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में मैंने काफी बाद में उसे सोचा। अच्छा, मानिए अगर ज्ञानी जी मुझे कभी भिलाई आने का मौका मिले, तो इस उपन्यास के कौन कौन से पात्र से मेरी भेंट हो सकती है? क्या वो टपरी देखने को मिल सकती है, या कौन कौन से ऐसे पात्र हैं जो वाकई ओरिजिनल है, वो कल्पना नहीं है, कोई फिक्शन नहीं है? जी सबसे पहले तो नन्हे भाई की जो चाय है, जो पहले ही या दूसरे पेज में है, और ये वो अभी भी आपको मिल जाएगा। भिलाई का सबसे फेमस जो है, आप बोल सकते हैं टपरी है, या फिर सबसे फेमस जगह है। आप भिलाई में और रह रहे हैं अभी या बाहर जॉब कर रहे जी मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ भिलाई में ही, मैं हैं? इंफोसिस में अच्छा जॉब करता हूँ, लेकिन अभी भिलाई में ही हूँ। अच्छा ठीक जी तो ऐसा है कि फिर नन्हे भाई की चाय और स्वीट सेंटर जो है, आप पूरा घूम सकते हैं, वो सेम टू सेम है। मेरा जो स्कूल है सेक्टर 4 में है, वो बिल्कुल जैसे आपको डिस्क्राइब हुआ है कि स्कूल में पंक्तियां लिखी हुई है जगह जगह, वो आपको मिल सकता है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो भी आपको मिलेगा। तो नहीं, जितने मैं भी, पात्र की बात कर अच्छा रहा हूँ। क्या कोई पात्र, कमलेश है, योगेश हाँ जी हाँ है, जी शिल्पा हाँ है, जी माहिरा है, सब है? जी जी सभी तो नहीं है, योगेश है, अच्छा कमलेश है, खिलेश है, अच्छा शिल्पा और माहिरा तो नहीं है। अब जैसे माहिरा का अच्छा किरदार, हमारे क्लास में एक लड़की थी, क्लास 8 में थी, तो वो बिल्कुल आई और 1 साल ही पढ़ी, लेकिन उसका क्रेज बहुत था, दिखने में बहुत ही सुंदर दिखती थी। और मान के चलिए क्लास 11-12 के भी जो लड़के थे वो उनसे बात करना चाहते थे, लेकिन सडनली ऐसा हुआ जब हम 9th में आए तो हमको मालूम चला उसके पापा का ट्रांसफर हो गया, और वो कहाँ गई आज तक नहीं मिली, मतलब हमारे किसी दोस्त से वो टच में नहीं ये है। हादसा हम लोगों के साथ भी हुआ है, हमारे क्लास में जी भी ऐसा हुआ है। जी जी मैं जी समझ और सकता वो हूँ, और जी हम लोग भी आज तक खोजते हैं उसको, और पूरी क्लास जी मिलकर, जी और ऐसा कभी हो नहीं पाया कि मुलाकात। जी तो मेरा जो दोस्त है कमलेश, उसने उसके नाम से फेसबुक में बहुत सर्च किए, कम से कम 1,000 या 1,500 उस नाम की लड़कियों के आईडी देख लिए कि अरे कोई तो नहीं मिले, लेकिन नहीं मिली। तो उस टाइम का भी जो बिना इंटरनेट का जो समय होता था वो उस टाइप से होता था, तो वो जो छोटा सा जो माहिरा के सडनली जाने का ट्विस्ट है, मैंने वहां से लिया था। उसको फिक्शन देकर के आपने जी हैप्पी जी जी एंडिंग कर आगे दी बढ़ है। जी 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 आपने एक जगह लिखा है, दोस्ती जहां रिश्तों को सुलझा देती है, वहीं प्यार उसे जी उतना ही उलझाता चला जाता है। पता नहीं, मैं जी इस पंक्ति हेलो से बहुत कन्विंस नहीं हो पाया, तो मैं चाहता हूं इसको आप एक्सप्लेन ओके करिए कि क्या है इस पंक्ति का। हाँ जी जैसे मेरी नजर में ये है कि जैसे हम किसी के दोस्त बनते हैं तो हम खुल के हर बात उनको बता देते हैं, हम अपनी कमजोरियां दिखा देते हैं, हम अपने भीतर छुपी जो भी चीजें हैं वो बिना फिल्टर के बता देते हैं कि देखो भाई ये ऐसी बात है और मेरे साथ ऐसा है। लेकिन जहाँ वो प्यार की बात आती है, और शुरुआती प्यार की बात आती है, आकर्षण की बात आती है, जहाँ पे हम अच्छे से अच्छा दिखाना चाहते हैं खुद को, हम अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहते हैं,
दिखाते हैं, हम ये नहीं बताएंगे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हम अच्छे से अच्छा दिखना चाहते हैं। तो जब ये प्यार आगे बढ़ता है, तो जब इस वजह से कि हमने अपनी कमियां शुरुआत में नहीं दिखाई है, कुछ चीजें उलझ जाती है कि जैसे 2 महीने 3 महीने हो गए, फिर सामने वाले को पता चला, अच्छा इसके अंदर इसके कैरेक्टरिस्टिक में ये फ्लॉ भी है, ये छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है। उलझने को तो ज्ञान है, दोस्ती में भी चीजें उलझ सकती है। और मुझे लगता है बहुत लोगों के अनुभव है कि प्रेम में भी बहुत कुछ उलझ जाता है, खास करके जो मेट्रो की लाइफ है, मुझे लगता है वहां के लोग शायद इस पंक्ति से उतने कन्विंस ना हो सकता है। जो स्मॉल टाउन है वहां आप इस पंक्ति को उसके बारे में ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेट्रो में ऐसा मुझे नहीं लगता है, मेरा अनुभव ऐसा नहीं रहा, तो शायद इसलिए मैं इस पंक्ति पर ठहर गया। मैंने सोचा कि मैं आपसे जानूं कि आपका क्या अनुभव है, आपने ये क्यों लिखा। अच्छा, ये दरअसल मेरा अनुभव रहा है और मैंने बाकी लोगों को भी देखा है, तो फिर मुझे लगा कि ये लाइन लिखना चाहिए मुझे। तो कहीं वो खिलेश जो है ना, जिसको प्रेम में धोखा मिला, उसका क्या नाम है, खिलेश? हाँ जी, खिलेश। खिलेश हाँ, बहुत आक्रामक ढंग से एकदम इन सब चीजों के बारे में उनका देखने को मिला। जी जी, विरोधी होता है वो। हाँ, वो तो मुझे लगता है कि आपको वो भी दिखा देना चाहिए था वैलेंटाइन डे पर, वो डंडा वंडा लेकर के पार्क में पीछे पड़ रहे हैं। अच्छा, जो कवर पेज है, जिन्होंने भी डिजाइन किया है, इसमें कहानी के अंदर 2 ही लड़कियां हैं, यहाँ 3 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं, मुझे तो लगता है कि डिजाइनिंग में इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए। हाँ, जी थोड़ा सा वो मेरे से भी रह गया देखना, मतलब हाँ, मुझे जब आया दिखाया गया तो मैं भी थोड़ा हाँ, एक्साइटेड हो गया और हाँ, तुरंत ही मैंने हाँ बोल दिया, और उसके बाद हाँ, मुझे ध्यान में आया कि यहाँ पे 2 लड़के और 3 लड़के होने चाहिए थे, 3 या 4 जो भी है, तो हाँ, जब भी अगला एडिशन आएगा तो इसमें शायद वो काम कर लिया जाएगा। अच्छा ज्ञानेश, आप चूंकि इसमें क्रिकेट बहुत है, और आपने एक उसमें जो ऐप के थ्रू वो क्रिकेट में करियर बनाने की बात और उसमें अर्निंग की बात की, उसको आप क्या समझा सकते हैं, क्योंकि आप चूंकि बीटेक कर चुके हैं, एमबीए कर चुके हैं, तो आपको इस फील्ड का, और चूंकि आप क्रिकेट को भी जानते हैं, साहित्य को भी जानते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ऑथेंटिक तरीके से इस बात को आप कह सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं या करियर बनाना चाहते हैं, ये इस फंडे को जरा समझाइए जो आपने नॉवेल में उसको दिखाया है, हो सकता है बहुत लोगों की बात समझ ना आए, लेकिन आप जब उसको एक्सप्लेन करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। हाँ। जी जी, दरअसल गुगली जो किताब है उसमें मैंने एक ऐप बताया है, और वो ऐप ऐसा होता है कि वो पहले ऐप नहीं होता है, वो जिस समय कालखंड की बात कर रहा हूँ उस टाइम पे यूट्यूब बड़ा फेमस था, ऐप वगैरह तो खैर अभी 3-4 सालों में आया, तो उस टाइम समय पे लोग यूट्यूब वगैरह देखते थे, तो स्टार्टिंग में आकाश क्या देखता है कि एक जो लड़का है, एक यंग क्रिकेटर है, वो एक बहुत अच्छे से बॉलिंग करता है, और जब वो उससे पूछता है कि क्यों भाई आपको कोचिंग वगैरह क्यों नहीं मिला, तो उसने अपने रीजंस बताए थे, तो उसके मन में ये आइडिया आता है कि अगर इसको यूट्यूब में डाल दिया जाए और अगर बाकी लोग देखे या बाकी कोई और क्रिकेट से जुड़ा व्यक्ति देखे, तो इसे बढ़िया सा कोचिंग मिल सकता है, और इस तरीके से जैसे इस तरीके से फिर उन्होंने ऐप की स्टार्ट किया, और ऐप में उन्होंने एक फिल्टर डाल दिया कि जैसे एक भिलाई का व्यक्ति है, तो जो भी उस ऐप में भिलाई का जो भी क्रिकेटर है अपना वीडियो डालेगा तो वो उसे देख सकता है। तो अगर जैसे कोई भिलाई में या छोटे शहरों में, आप जानती होगे बहुत से क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, और जब टूर्नामेंट होते हैं तो उनको बहुत सारे लोग, बहुत नए क्रिकेटर्स की भी जरूरत होती है, क्योंकि 7-8 का होता है और टूर्नामेंट में चाहिए होते हैं 11 लोग लगभग, तो उनके 2-3 क्रिकेटर अलग से लाने पड़ते हैं। ऐसे मैंने मतलब मेरा अनुभव तो यही रहा है, हमारे टीम में भी ऐसा होता था, तो वो क्या कहते हैं, वैसे लोग अब ऐप के थ्रू उनको खोजना चालू करते हैं, अच्छा भिलाई में ये भी है, इनसे कॉन्टेक्ट किया जाए, तो इस तरीके से और लोग देखना चालू करते हैं, कोचिंग वाले जो हैं वो देखना चालू करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर शहर में कौन से लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जिन पे हमारी निगाह नहीं पड़ी, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। आप बोल सकते हैं कि अभी जैसा टिकटॉक या जैसे चल रहा है उस टाइप का एक कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ दिखाने की कोशिश की है, कि एक ऐप के थ्रू जो क्रिकेटर्स हैं
उनको उनके बढ़िया बढ़िया जो शॉट्स है या विकेट ले रहे हैं या उनकी बॉलिंग है प्रदर्शन, वो एक छोटा सा वीडियो है वो ऐप में डाउनलोड करके या अपलोड करके वो देखा जा सकता है, पूरे सभी लोग उनके जो स्किल्स है उनको देख सके। खेल अगर आप गहराई से देखें तो जो खेल होता है वो सिर्फ मैदान पे खेला जाता है और हार जीत नहीं होती है, कई बार वो आपकी सोसाइटी को भी रिफ्लेक्ट करता है और बहुत कुछ आपको सीखने समझने को मिलता है। अगर आप खेल के मैदान पर देखें तो वेस्ट इंडीज के प्लेयरों का व्यवहार देखें, आप ऑस्ट्रेलिया के प्लेयरों का व्यवहार देखें, उसके ठीक बगल में न्यूजीलैंड के प्लेयर का व्यवहार देखें, इंडिया का देखें, पाकिस्तान का देखें, तो आपको उस कल्चर के बारे में भी जानने का मौका मिलता है। जैसे हॉकी में खेलने का तरीका भी अलग अलग होता है, क्रिकेट में भी खेलने का तरीका अलग होता है। जैसे वेस्ट इंडीज के लोग कट मारना पसंद करते थे तो इंग्लैंड के लोग कवर ड्राइव मारना पसंद करते थे, तो बहुत कुछ। अगर क्रिकेट का ही उदाहरण ले या फुटबॉल का ही उदाहरण ले तो सब लोगों की खेलने की शैली अलग होती है और बहुत कुछ आप खेल से सीख सकते हैं। तो चूंकि आपने खेल पर एक नॉवेल लिखा है और उसका टाइटल भी खेल पर है, तो मैं जानना चाहता हूँ खेल का आपके जीवन पर कोई प्रभाव है आपके जीवन में, आपको बूस्ट करने के लिए, आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए? जैसे मैं पर्सनली बताना चाहूंगा ज्ञानेश कि मैं जब कभी निराश होता हूँ, उदास होता हूँ, तो मैं खेल के मैदान में चला जाता हूँ, स्टेडियम के सीढ़ियों पर बैठता हूँ और अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ, पुराने मैच को याद करता हूँ, तो मैं चार्ज हो जाता हूँ। या तो 90s के गाने सुन लिया या मैदान में चला गया या थोड़ी बैटिंग कर ली, बॉलिंग कर ली, तो मैं चार्ज हो जाता हूँ। पता नहीं एक कनेक्शन ऐसा है कि वो मेरे लिए एनर्जी बूस्टर है। तो क्या इस तरह का कोई प्रभाव आपके जीवन पर भी खेल का है? जी जी जी, ये बिल्कुल है। जैसे मैंने आपको बताया मेरी 8th and 9th की स्टोरी के मेरे क्रिकेट कैसे खत्म हो गया वहां से क्रिकेट की कोचिंग, तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर मैं रनिंग में पार्टिसिपेट करने लगा। तो हर साल 8th से मैं 11th 12th तक रनिंग के लिए अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करता था। उसका पहला फायदा तो ये होता था कि कॉम्पिटिशन से एक महीने पहले हमें, हमारे स्कूल में 7 पीरियड होते थे तो 3 पीरियड हमको ऑफ मिल जाता, तो 3 पीरियड में आप रनिंग करो, अपना ट्रेनिंग करो, कुछ भी करो, तो 3 पीरियड की पढ़ाई हमारी बच जाती थी। तो हम सब रोज बाहर निकल जाते थे और रनिंग करते थे, एक्सरसाइज करते थे, और मैं काफी उस पर मतलब काफी अच्छा इम्पैक्ट रहा था। एक बार मुझे याद है कि जब हम खेलने के लिए यहाँ भिलाई से दूर थोड़ी दूर एक जगह है दल्ली राजरा गए थे, वहां पे मैं गिर गया था, मेरे हाथ में काफी इंजरी आ गई थी। मतलब एक कमलेश की कहानी क्या आपकी कहानी है? जी नहीं नहीं नहीं, वो मेरी हर पात्र में। अच्छा अच्छा जी, ठीक है। मैं हल्का सा इंजरी आ गया था, फिर मेरे जो सर हैं उन्होंने बुला के बोला कि रिले पे तू बैक ऑफ कर दे, अपन किसी और को दौड़ा दे। फिर मुझे थोड़ा लगा कि नहीं नहीं मैं दौड़ सकता हूँ, तो फिर मैंने अगले दिन फिटनेस टेस्ट दिया और शाम को जब रिले हुआ तो फिर हम सेकंड आए थे। तो उस चीज का मुझे काफी संतोष मिलता है कि हाँ, अभी तक मुझे लगता है कि हाँ भाई, मेरे हाथ में सूजन था, मेरे हाथ में चोट लगा था, मैं छोटा भी था, ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी मैं वो कर पाया। तो उस बात का मुझे काफी मतलब ये जीवन में मेरे काफी प्रेरणादायक किस्सा है। उसके अलावा भिलाई में एक जयंती स्टेडियम है, मैंने हुगली में भी जिक्र किया है, तो अभी तो खैर बंद है कोविड के कारण परमानेंटली, लेकिन कोविड के पहले मैं वहां पे जाया करता था, वहां पे जाके बैठ जाया करता था, दौड़ते हुए एथलीट्स को देखना, प्रैक्टिस करते रहना, तो मैं वहां जाके आधे घंटे पौने घंटे बस बैठ जाता था, और उससे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मेरा मेडिटेशन हो गया, मतलब मन में एक शांति आ जाती थी। तो इसीलिए खेल का मेरे जीवन में काफी प्रभाव है। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में भी गया तो वहाँ टेबल टेनिस हुआ करता था, तो टेबल टेनिस भी काफी खेला करता था फर्स्ट ईयर में, और उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छा एक फील होता था कि जब पसीने से तर बतर हो जाते हैं उसके बाद वापस से रूम जाने के समय, तो वो एक जो केमिकली भी डोपामाइन और सीरोटोनिन रिलीज होते ही है, तो उस टाइप से मुझे काफी अच्छा लगता था, और इस प्रकार से खेल का मेरे जीवन में काफी महत्व रहा। आपने गुगली में एक नया प्रयोग किया है कि आपने कहानी कई पात्रों से कहलवाई है, जैसे बहुत सारे उपन्यास में होता है कि कोई एक पूरा नॉवेल को नरेट करता है या उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं अपनी बात कहते हैं,
इसमें आपने चार पात्र के सहारे पूरी कहानी कही है, एक नया तरह का प्रयोग है, बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये ख्याल कहाँ से आया, ये प्रयोग आपने कैसे किया? क्योंकि इसमें मुझे कई कई जगह इसमें दिक्कत भी ये लगी कि कुछ जो जो कहानी नैरेट कर रहे हैं वो कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो उस जगह पे नहीं थे और बहुत प्रमाणिक ढंग से उस बात को कह रहे हैं, तो इसके भी खतरे थे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये प्रयोग आपके दिमाग में कहाँ से आया, इस तरह का प्रयोग करने का? जी, इसके दो रीजन हैं। पहले तो मैंने एक इंग्लिश ऑथर है, इंग्लिश में ऑथर है एक अजय के पांडे, अजय कुमार पांडे, तो उनके कुछ किताबें पढ़ी, तो उसमें एक किताब में उन्होंने ऐसे ही नरेट कराया, एक या दो किताब में, तो मुझे ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। और फिर मैंने हिंदी की बहुत सारी किताबें पढ़ी और मुझे लगा कि इस टाइप के प्रयोग जो हैं हिंदी में शायद कम ही हुए हैं या मैंने देखे नहीं हैं ज़्यादा, मैंने मतलब किसी का नहीं देखा हिंदी में, तो मुझे लगा ऐसा करना चाहिए। उसके बाद मुझे लगा कि क्या मुझे, मैंने रियलाइज किया कि पात्रों की भी क्या डिमांड हो सकती है, मतलब जैसे जहाँ पे आकाश और योगेश जाते हैं, तो मुझे लगा यहाँ पे कौन बता, किसको बताना चाहिए, तो क्या यहाँ पे डिमांड क्रिएट किया जा सकता है कि किसी और से नरेट किया जाए, नरेट करवाया जाए? तो फिर शिल्पा नरेट करती है थोड़ा, फिर योगेश नरेट करता है, तो इस तरह से मैंने मतलब ये दोनों ही चीजें मेरे मन में थी कि पहले तो मैंने उनका एक एग्जाम्पल भी लिया और दूसरा ये कि अपने पात्रों में भी वो कोइंसिडेंस डाला और वो संभावनाएं तलाशी कहानी में कि दूसरे से भी नरेट किया जा सके, करवाया जा सके। आपका पहला उपन्यास है और उस पर हमने काफी बातचीत की कई एंगल से, क्या ये उम्मीद की जाए कि ये आपका पहला अंतिम उपन्यास नहीं होगा, आप आगे भी लिखेंगे? कुछ योजना है इस तरह की, जी, कुछ तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं अभी 10-12 हज़ार वर्ड्स लिख ही लिया हूँ अपने दूसरे उपन्यास के लिए। हाँ जी, हो सकता है आने वाले 2-3 महीने में मैं लिख के इसको कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद देखा जाएगा। उस किताब में भी मैंने कुछ प्रयोग किए हैं। अच्छा, अच्छा, किस किस तरह के विषय पर है ये उपन्यास? उस विषय ये दोस्ती पे तो नहीं है, ये साइकोलॉजिकल। अच्छा। है, मतलब एक अच्छा। व्यक्ति है, वो उम्र के साथ साथ उम्र के विभिन्न, उस व्यक्ति के उम्र के विभिन्न पड़ावों में उसके जीवन में कैसे चेंज आता है, उससे उसका माइंड कैसे चेंज होता है, इस तरीके की कहानी। मतलब उसके जीवन के जो 4-5 घटनाएं हैं वो उसके माइंड को कैसे डेवलप करती है, वो कैसे ज्यादा मैच्योर बन जाता है, इस तरीके की कहानी है। तो ये डेफिनेटली ये जो है गुगली जैसी नहीं होगी, गुगली से थोड़ा गंभीर कहानी होगी, तो ये भी मैं एक प्रयोग कर रहा हूँ कि थोड़ा लीक से हट के कुछ लिखने की। आजकल क्या पढ़ रहे हैं ज्ञानेश, नई हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं और पुरानी हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं, आजकल क्या पढ़ रहे हैं? जी, मैं अभी तो विनोद कुमार शुक्ल की जी की ये पढ़ रहा हूँ, दीवार में खिड़की रहती थी, हाँ जी वो पढ़ रहा हूँ। और नई हिंदी में तो फिलहाल मैं अभी कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, और बाकी जो प्रतिनिधि कविताएं हैं वो भी पढ़ लेता हूँ बीच बीच में। किसकी, किन की? ये भी है विनोद कुमार शुक्ल जी की है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है, तो इन दोनों की मैं अभी पढ़ रहा हूँ। तो नई हिंदी में आपने किसी को नहीं पढ़ा, सत्यव्यास, निरुत्तर मिलाल? जी, मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया इन सबको, मैंने सबको पढ़ लिया। हाँ जी, हाँ जी, मैंने सबसे पहले दिव्य प्रकाश दुबे जी को पढ़ा था, उनके मसाला कैफे वगैरह पढ़ी, और फिर अभी नई वाली हिंदी में अगर मुझे पूछे तो सत्यव्यास जी बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत डिटेल्ड होके लिखते हैं, मतलब रिसर्च लिखते हैं उनकी। कौन सा उपन्यास आपको पसंद आया उनका? उनका मुझे बागी बलिया सबसे पसंद आया। बागी बलिया, हाँ जी। और दिव्य प्रकाश दुबे जी की भी कहानियां पसंद है, बट उनमें थोड़ा सा मुझे रिपीटेशन लगता है उनकी कहानियों में। बाकी सत्यव्यास जी जो है वो तो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब उनका जो रिसर्च लगता है वो काफी लगता है कि हाँ वो काफी रिसर्च करके लिखते हैं। अच्छा, एक बहुत ट्रेडिशनल सवाल, बहुत पारंपरिक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आप सीधे हिंदी के बैकग्राउंड से नहीं है। वैसे आपने बताया कि आपके आपके पापा जो ट्रेवल के दौरान लिखते, तो निश्चित तौर पर उसका असर आपके ऊपर है, तो साहित्य आपके लिए बचपन से अछूता नहीं रहा है, लेकिन चूंकि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आए, आपने बीटेक एमबीए किया,
हिंदी में लिख करके और हिंदी का जो पाठक वर्ग है या हिंदी का जो बाजार है, जो इसका भविष्य है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जी, मैं सोचता हूँ कि ये अब अपने एक सुनहरे दौर में जाने को है। मतलब आने वाले 10 से 15 सालों में मैं देख रहा हूँ कि अपने सुनहरे दौर में जा सकता है, क्योंकि OTT में भी हिंदी का जो जो कहानियाँ हैं, नॉवेल है, उनका अडॉप्टेशन हो रहा है। जैसे ये ग्रहण है, वो 84 से लिया गया है, और उसके बाद भी कुछ कुछ कहानियाँ OTT पे जा रही है। तो जब इस टाइप से हिंदी पे एक बड़ा पैकेज जब लेखकों को मिलने लगेगा, तो नए लेखक हैं वो भी प्रोत्साहित होंगे कि हाँ जी, अगर हम अच्छा लिखे तो हम भी OTT पे हमारा भी कहानी अडॉप्ट हो सकता है, या अभी जो ऑडिबल या स्टोरी टेल आ रहा है तो उससे भी रॉयल्टी मिल सकता है, मुझे लगता है। और जितना मैंने लोगों से पूछा है तो वो कहानियाँ सुनना तो हिंदी में ही पसंद करते हैं, भले इंग्लिश में पढ़ लेंगे लेकिन कहानियाँ सुनना या देखना वो हिंदी में ज्यादा पसंद करते हैं। तो क्या आपका इरादा फिल्मों में भी लेखन का है? आप चाहेंगे कि आपके उपन्यास पर फिल्में बने या आप स्क्रिप्ट राइटिंग करें, इस तरह की कोई योजना है आपके मन में? जी हाँ जी, मेरी योजना तो है, लेकिन मैं कॉरपोरेट एम्प्लॉय भी हूँ, तो थोड़ा धीरे धीरे ही मुझे आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मुझे मिल नहीं पाता है। दिन में 8 से 10 घंटा काम करने के बाद थोड़ा थकान भी होता है, लेकिन मैं लिखना चाहता हूँ। मैं गीत भी लिखता हूँ, मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लिख पाता अभी, लेकिन मैं सीख रहा हूँ कैसे लिखा जाता है, और भविष्य में मैं गीत, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह, मतलब लिटरेचर वर्ल्ड में पूरी तरह से जाना चाहता हूँ। तो चूंकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो कैसे समय निकालते हैं? परिवार का सपोर्ट मिलता है, कैसे ऑफिस के बाद समय निकालते हैं, कब लिखते हैं, क्या रूटीन है आपका लिखने को लेकर के? जी मेरा एकदम से अनुशासित तो मैं अभी नहीं बोल सकता कि मैं अनुशासित हूँ, डेली लिखता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डेली पढ़ लूँ कुछ नहीं तो। मैं 2-3 प्रति रात में, अगर बहुत लेट हो गया, किसी दिन ज्यादा काम हो गया, बहुत थकान लग रहा है, तो प्रतिनिधि कविताएं निकाल के मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि फिर उससे मेरे अंदर गिल्ट नहीं रह जाता कि मैंने आज कुछ नहीं तो पढ़ा तो है 2-3 कविताएं। और मैं अभी मानता हूँ कि मेरे लिए पठन जो है वो ज्यादा जरूरी है। मैं लिखूँ ना लिखूँ तो चलेगा, लेकिन मुझे पढ़ना ज्यादा जरूरी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ पढ़ते रहूँ। और मेरी आदत है कि मैं 2-3 उपन्यास एक साथ भी पढ़ लेता हूँ, मतलब पैरेलली, ये भी एक चैप्टर पढ़ा, मेरी भी आदत जी, तो उससे भी मुझे थोड़ा फायदा हो जाता है अगर मैं लिख रहा हूँ उस समय। तो बाकी तो कोशिश करता हूँ मैं लिखने की, लेकिन अभी फिलहाल मैं बहुत धीरे लिख रहा हूँ। बाकी पढ़ने का तो ऐसा है, मैं रोज ही पढ़ता हूँ। परिवार से सपोर्ट मिलता है, लोग पसंद जी, करते हैं कि आप एक राइटर बनना चाहते हैं, घर में पापा क्या सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप उनके अधूरे सपने को पूरा कर रहे हैं, ऐसा कुछ? जी जी बिल्कुल, पापा से ज्यादा मम्मी को लगता है, क्योंकि मम्मी ने ऐसा, उनका थोड़ा ऐसा था कि कविताएं वगैरह लिखी थी उन्होंने, तो मम्मी का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। पापा तो एक मिडिल क्लास फैमिली में जैसा होता है, ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, वैसे ही है। बाकी मम्मी का तो बहुत ही सपोर्ट है। और मम्मी, मैं एक बात बताता हूँ कि गूगली का जो प्रूफ रीड है भेजने के पहले राजपाल को, वो मम्मी ने एक बार किया था और मुझे कुछ कमियां बताई थी, हाँ कि ये आप ये कर लो, ये थोड़ा सा देख लो, ये थोड़ा मात्रा देख लो, तो मम्मी का भी काफी योगदान है, और घर वालों का बहुत सपोर्ट है इस मामले में। और दूसरी बात, मैं रिस्क लेके नहीं करता हूँ, मैं कॉर्पोरेट जॉब साथ नहीं करता हूँ, तो ब्रेड एंड बटर वाला कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो बड़े आराम से चलता काम। अच्छा, जिन दोस्तों की कहानी आपने लिखी है, उन दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया है? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तूने मेरी पोल खोल दी या मेरे बारे में ऐसा लिख दिया, या कि वो बहुत खुश हैं कि उनकी कहानी किताब में छप गई है? दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि आपके बड़े मजेदार दोस्त हैं। जी वो बहुत ही खुश हैं, मतलब वो ऐसा है कि वो अपनी स्टोरी पे लगा के लोगों को बता रहे हैं कि मेरी कहानी है, पढ़ लो। हालांकि बहुत सारी चीजें पर्सनल भी है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों को बता रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को बता रहे हैं, तो वो तो बहुत खुश है। तो उम्मीद करते हैं कि मुझे कभी भिलाई आने का मौका मिलेगा तो एक मैच आपके आपके ग्रुप के साथ मेरा भी हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अंत में ज्ञानेश जी, चूंकि क्रिकेट पर ये उपन्यास है,
तो भारत में खेल को लेकर के आप क्या जी देखते हैं? क्रिकेट को तो बाजार ने भी हाथों हाथ लिया और सरकारी स्तर पर भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन आरोप लगता है कि क्रिकेट ने दूसरे खेलों को ले लिया है या उसको उस जी तरह से जगह नहीं मिलती है। लेकिन हाल के वर्ष में आप देखिए, ओलंपिक में लोगों ने मेडल प्राप्त जी किए हैं तो उनको भी उस तरह से मिलना शुरू हो गया है। तो आप भारत जी में दूसरे खेलों का या पूरे खेलों का भविष्य क्या देखते हैं, क्या संभावना देखते हैं खेल को लेकर के आप? जी मुझे तो भविष्य काफी अच्छा लग रहा है। जैसे इस ओलंपिक में मैं बताऊं तो मैंने पीवी सिंधु जी का मैच देखा, हॉकी का मैच देखा, जेवलिन के जो लाइव तो नहीं देख पाया लेकिन थोड़ी देर बाद ऐप पे, सोनी ऐप पे वो भी देखा। तो जैसे मेरा इंटरेस्ट नहीं था, हॉकी मुझे समझ नहीं आता था, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। तो मुझे लगता है कि भविष्य सुनहरा है, लेकिन जितने भी चीजें, जितने भी सुविधाएं हैं, ये अगर पहले इसको प्रोवाइड कराया जाए ज्यादा अच्छे से तो और ज्यादा अच्छा होगा। जैसे क्रिकेट में आप देखेंगे कि रणजी के भी जो क्रिकेटर हैं आज के डेट में, उनको काफी अच्छा भुगतान दिया जा रहा है और बिल्कुल उनको भी बिल्कुल, जी लाखों उनके, हाँ जी बिल्कुल, लाखों में। मतलब ऐसा है कि अगर वो 2-3 साल खेल गए तो उनको अपने भविष्य के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन और मैं कॉर्पोरेट देखता में भी हूँ, नौकरी मिल जा रही है, कॉर्पोरेट में भी जी, नौकरी मिल जा रही है बिल्कुल उन्हें। हाँ जी। लेकिन बाकी खेलों में देखा जाए तो अभी भी 5 साल 10 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद भी वो अपने भविष्य के लिए आशंकित रहते हैं। तो मुझे लगता हॉकी है की कि महिला टीम को ऑटो में सफर करते हम लोगों ने 1-2 साल पहले देखा जी, वो काफी दिखाया गया था, दिल्ली में भी वो ऑटो में आती जाती थी करके दिखाया गया था। मुझे लगता है कि अगर उनके भविष्य को सरकार सुनिश्चित कर दे और हम हमारे जैसे जो नॉर्मल लोग हैं वो कम से कम उनको सपोर्ट करना चालू कर दे, जैसे टीवी पे मैच आ रहा है तो देख सके, या जैसे अब ट्विटर हैंडल पे सबके ट्विटर हैंडल तो आ ही गए हैं तो उनको कम से कम छोटा सहयोग फॉलो कर सके, उनको ऑल द बेस्ट बोल सके। ये हालांकि बहुत छोटी सी चीज है लेकिन अगर एक साथ 1,000 लोग या 10,000 लोगों का अब मैसेज उनके पास जाएगा तो वो भी काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, और जब लोगों की आवाज सरकार तक जाएगी तो सरकार को भी विवश होना पड़ेगा कि जैसे क्रिकेट के लिए बहुत पैसे आ रहे हैं, पैसे हालांकि बीसीसीआई एक स्वतंत्र संस्था है लेकिन फिर भी सरकार भी फिर चाहे तो हॉकी में या बाकी जितने भी खेल हैं उसमें भी पैसे को लेके उनको दे सकती है, उनको काफी प्रोत्साहित कर सकती है। तो ज्ञानेश जी, मुझे लगता है कि मुझे जितना सवाल पूछना था और जितना कुछ जानना था, आपने बहुत तफसील से उसको बताया, अपनी जर्नी, अपने नॉवेल की और आपने अपने आने वाले उपन्यास की भी चर्चा की। तो मैं उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द वो आपका उपन्यास प्रकाशित हो और आप लेखक के रूप में हिंदी में सक्रिय हो। मेरी शुभकामनाएं हैं क्योंकि जी, आप धन्यवाद नौकरी करने के साथ लिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है समय निकालना, जी और एक सर ऐसे बैकग्राउंड से हैं जिसने आपने इस तरह से हिंदी की पढ़ाई नहीं की है, लेकिन संयोग से आपको ऐसा परिवार मिला, ऐसे माँ बाप का मार्गदर्शन मिला। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छा लेखन करेंगे जी और मैं सर आपको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। रचिता के धन्यवाद पेज को, सर पीयूष को, पल्लव सर को धन्यवाद करता हूँ, राजपाल को धन्यवाद करता हूँ कि आपके साथ एक अच्छी बातचीत के लिए मंच उपलब्ध कराया। तो उम्मीद करते हैं कि आपके अगले उपन्यास पर फिर से एक बार मुलाकात होगी। तब जी सर जी सर थैंक यू सर तक आपको शुभकामनाएं ज्ञानेश। जी, धन्यवाद सर, बहुत पीयूष बहुत जी, क्या बधाई आप, जी बहुत बहुत बधाई आप दोनों को और तमाम दर्शकों को जिन्होंने देखा और जो बाद में देखेंगे उन सभी को रचयिता की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी बधाई, धन्यवाद आप सभी का।